दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। माँ आपको क्या हुआ? मैं पापा को कॉल लगाता हूँ। हाँ बेटा जूनियर बोलो। पापा माँ के पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया। क्या? बेटा कैमरा माँ की तरफ करो। ओके पापा। नहीं तुम हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी पहुंच रहा हूँ। जूनियर तुम एक काम करो, माँ के पैरों के नीचे दो तकिया रखो जल्दी से। डॉक्टर साहब इसको बचा लीजिए। कैसे भी करके बस बचा लीजिए। विधि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल मत घबराओ ठीक है। पापा मैं नानी को बुला के लाऊं, शायद वो हमारी कुछ हेल्प कर सके। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनो, किसी को भी माँ की इस हालत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ये तुम्हारा टास्क है। जब तक मैं ना हूँ किसी को माँ से मत मिलने देना। अब फिलहाल जैसा मैं कहता हूँ वैसा करके जाओ। ओके पापा। तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम एक ठंडा कपड़ा लो और उसको माँ के पेट पे रखो। मैं ऐसा ही करूँगा। विधि मेरी बात सुनो, तुम बस जागे रहने की कोशिश करो, मैं बस पहुँच रहा हूँ। चलो सारे अंदर चलो। अरे कहाँ ले जा रही हो? खड़ी रहो ना यहाँ पे, सब इस कमरे में रहेंगे दिन भर। ओके कोई बाहर नहीं जाएगा। क्यों? अरे वो खड़ूस अंकल है ना, वो काना को चिकन पॉक्स हो गया था ना, इसलिए वो हवेली को सेंसिटाइज कर रहे हैं। सैनिटाइज? अरे हमारे पीछे क्यों आ रहा है? स्टे ऑलवेज, बोला ना तुझे दूर है हमसे, दूर हटो हमसे, दूर रहो दूर रहो दूर रहो, बस 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 रुक जाओ रुक जाओ। हमारे पीछे क्यों आ रहा है? ताकि आप दोनों इसी रूम के अंदर रहो, पूरा घर सैनिटाइज होने वाला है, इसलिए सब लोग इस कमरे में रहेंगे और वो भी चुपचाप और सारा दिन। इन लोगों के साथ एक दिन तो क्या एक पल नहीं रह जा सकता। तो आपको क्या लगता है हम आपके साथ पूरी उम्र रहना चाहते हैं? You speak quiet, sir. हमें भी नहीं रहना। अरे अरे आप लोग झगड़ा करना बंद करिए प्लीज। थैंक यू करुणा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, हमेशा मेरी हेल्प करती हो। करुणा चलो चल के माँ को देखते हैं, उनकी तबीयत खराब है। मेरा पेट, मेरा पेट तो क्या जा रहा है। माँ ये लगा दो। नहीं माँ ऐसे चिल्लाते नहीं है अब। अरे ये तो दरवाजा बंद कर गया। ओह नो, जा खिड़की से बाहर जाओ, दरवाजा खोल। नाइस आइडियाज। स्क्वीज मी। विधि खड़ू संकल, देखिए ना कितना दर्द हो रहा है। पापा पापा कुछ करो ना प्लीज। हाँ बेटा मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। ओके जूनियर हमें बंद करके कहाँ चला गया? नो आइडियाज। ये विधि इतनी जोर जोर से क्यों चिख रही है? विधि 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 प्लीज चिल्लाओ मत, वो लोग कमरे में जरूर बंद है लेकिन उनके कानों तक तुम्हारी आवाज पहुंच जाएगी। अब वो दरवाजा जाके बंद कर दीजिए प्लीज। विधि जस्ट काम डाउन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओके एक काम करो, पानी लेकर आओ जल्दी से जाओ। पानी पियो थोड़ा सा, पानी पियो पानी पियो थोड़ा सा। यहाँ तो कोई नहीं है, चीखने की आवाज तो यहीं से आ रही थी।
आराम से, आराम से। चलो यहाँ कैसे? बताता हूँ, यहाँ तुम सेफ रहोगी। यहाँ आउट हाउस में कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएगा, ठीक है? बैठो। ये सब यहाँ कैसे? आज डॉक्टर्स की हड़ताल है और सारे हॉस्पिटल्स भी बंद है, इसलिए मैंने सारा बंदोबस्त यहीं कर दिया है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी गायने का आती होगी, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ सब कुछ है, ठीक है? थोड़ा और, थोड़ा टाइम। और जूनियर करुणा, तुम दोनों यहाँ से जाओ और मेरी बात सुनो। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि माँ यहाँ पे, ठीक है? किसी को भी। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। कान्हा चलो। कमाल है, विधि की चीखें मैंने अपने कानों से सुनी, पर कमरे में ना तो विधि दिखाई दी और ना कोई और। सैनिटाइजेशन का काम भी घर में नहीं चल रहा। कुछ तो काला है दाल में। चाहे कुछ भी हो जाए करुणा, किसी को हमारा सीक्रेट पता नहीं चलना चाहिए। विधि, कुछ नहीं होगा तुम्हें, थोड़ा सा इंतजार और बस, ठीक है? डॉक्टर आती होगी भी, बस थोड़ा सा। विधि सब ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर को लेके आ रहा हूँ, ठीक है? कुछ नहीं होगा। ओए, कौन सा सीक्रेट? आप कमरे से बाहर कैसे आए? हमने तो बंद किया था आपको कमरे में, आप बाहर क्या कर रही हैं? चलिए जाइए कमरे में, जाइए। तू बंद करेगी मुझे? हाँ, चल क्या रहा है ये? विधि की आवाज अपने कानों से सुनी थी मैंने। कहाँ है विधि? हमें नहीं पता। नहीं पता? नहीं। कौन से सीक्रेट की बात कर रहे थे? ए, मुंह में तेल जम गया है। हाँ बोलो। नहीं पता। नहीं पता? मैं निकलवाती हूँ सच्चाई। आइए डॉक्टर, प्लीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप स्ट्राइक होने के बावजूद आ गई, थैंक यू। इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज है। मेरा बच्चा ठीक है ना? विधि काम डाउन, ऐसे घबराओगे तो बात और बिगड़ेगी। मुझे चेक करने दो क्या हुआ है। सच सच बता दो कि क्या छुपा रहे हो तुम दोनों। नहीं बताएंगे। नहीं बताओगे? नहीं। नहीं।
जो करना है कर लो, नहीं बताएंगे। मोटी चमड़ी है ना तुम्हारी, मुझे अच्छे से आता है सच्चाई निकलवाना, समझा? रख। बोलो, बताओगे सीक्रेट? नहीं। तो ठीक है, विधि तुम चिंता मत करो, डॉक्टर आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर प्लीज चेक। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा, टेंशन मत लो। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है? डॉक्टर वंश, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है। अगर इसने तुम्हें काट लिया ना तो खड़े खड़े जहर से मर जाओगे। बोलो क्या चाहते हो? नहीं, बचाओ, कोई बचाओ, हमें कोई बचाओ। कोई नहीं आएगा बचाने के लिए तुम्हें। बोलो क्या सच है? इससे बचना है तो सच बोलना पड़ेगा। आई डोंट बिलीव दिस। आप इसे अच्छे से चेक कीजिए, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया, हो सकता है कुछ समझ में ना आया हो। एक बार चेक कीजिए अच्छे से प्लीज। मेरे अपने आंसू पहुंचो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। डॉक्टर अच्छे से चेक कीजिए प्लीज। डॉक्टर आप प्लीज इसे डर्बिटेलिन का इंजेक्शन दे दीजिए, हो सकता है उससे हार्ट बीट रेगुलेट हो जाए। ओके। चलो दादी बात, लेकिन अब हमारा बच्चा नहीं, कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लेते मेरे बच्चे को। अगर बचना है तो अपना सीक्रेट बताओ। कहाँ है विधि? मुझे मालूम है, तुम्हें पता है। मैं नहीं बताऊंगा, चाहे स्कॉर्पियन मुझे काटी क्यों ना ले, मैं सारा पेन सह लूंगा, पर मैं अपना सीक्रेट नहीं बताऊंगा। रोक लीजिए हिटलर ग्रैनी, वरना वो कान्हा को काट लेगा। हम बताएंगे, हम बता दें। अभी ये बिच्छू तुम्हें नहीं काटेगा। विधि अगर तुम होप छोड़ दोगी
तो बच्चों की हिम्मत कौन बताएगा? अपने आंखों में उम्मीद जगाओ विधि, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा। कान्हा जी पे विश्वास है ना तुम्हें? हाँ तो कान्हा जी सब ठीक कर देंगे। देखना अभी सोनोग्राफी में उसके दिल की धड़कन भी सुनाई देगी और उसके मूवमेंट्स भी होंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल मत घबराओ तुम। सच कह रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर देखिए ना, एक बार चेक कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इतना धीरे धीरे क्या चल रही है? जल्दी जल्दी चल चल। रुको करुणा, हिटलर रानी को सीक्रेट रूम में मत ले जाओ। ए हट। अरे चोट लगेगी उसे, उठो काना, उठो। बहुत हो गया तुम लोगों का यार आना, चल मेरे साथ। रुको करुणा। खोलो दरवाजा, खोलो। लगता है कान्हा जी की सवारी जा रही है, अब तो वो ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। क्या हुआ डॉक्टर? कुछ हार्टबीट सुनाई थी? सॉरी कोई मूवमेंट नहीं है। कान्हा जी, मेरी माँ कहती है कि आप सबकी प्रेयर सुनते हैं, प्लीज भगवान मेरी माँ को बचा लो और हिटलर रानी को हमारी सीक्रेट प्लेस पता मत लगने देना। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज से बदमाशी बंद, और मैं आपको रोज मक्खन चढ़ाऊंगा। चलो बेटा बांसुरी बजाओ अपनी माँ के लिए, जैसे कान्हा जी अपने माँ यशोदा जी के लिए बजाते थे। कृष्ण जी को तुम्हारी पुकार सुननी ही पड़ेगी, ये लो। तो हवेली के बाहर ले आई, कहाँ लेके जा रही हो? आपको सीक्रेट रूम देखना है ना, तो चुपचाप हमारे साथ चलते रहिए। पैरों में मेहंदी लगी है तेरी, जल्दी चलना। कहाँ ले जा रही है? क्या है? चल।
अब चेक क्यों नहीं कर रही हैं? अब चेक करने के लिए कुछ बचा नहीं है। आई एम सॉरी डॉक्टर वंश, बट विधि अपना बच्चा खो चुकी है। हमारी विधि का ध्यान रखना। अभी ने जाते जाते मुझसे एक वादा लिया था, पर मैं उसे भी पूरा नहीं कर पाया।